Hey, welcome to Bangalore Mysore Uti Part 4. So, देखिए उटी का एक अनोखा नजारा हमारे साथ इस वीडियो में। तो फ्रेंड, अभी हम मैसूर से निकले हैं ऊटी के लिए और ऊटी में हम दो दिन रहेंगे और दो दिन के दो अलग पार्ट होंगे। ये पार्ट में हम डे वन कवर करने वाले हैं और अगले पार्ट में हम ऊटी का डे टू कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं ऊटी का डे वन। बंदीपुर फॉरेस्ट। सो मैसूर से ऊटी को जाने का जो रास्ता है, जो 4 घंटे का है, वहाँ बीच में आपको लगेगा बंदीपुर फॉरेस्ट और इस रास्ते पर आपको अलग अलग प्राणी देखने को मिलेंगे। एलिफेंट, आपको ऐसा देखने में मजा आएगा कि आप रास्ते से जा रहे हो, आपके रास्ते से बाजू में ही आपको एलिफेंट दिखेगा और आपको डियर्स मिलेंगे, आपको मंकीज तो बहुत सारे मिलेंगे। आपके रास्ते के दोनों साइड में आपको मंकी देखने को मिलेंगे। तो ये जो नज़ारा है मैसूर से ऊटी जाने का और ये दोनों साइड में जंगली प्राणी देखने का मजा कुछ और ही है। We are going to Ooty, so it is very cold climate. So we are reached at Ooty Hotel, Sterling Ooty Egg Hill. So यहाँ मैंने होटल सेलेक्ट किया है, होटल स्टर्लिंग एग हिल रिसोर्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट इन ऊटी। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वो रेफर करके ये होटल बुक कर सकते हो। रियली नाइस एंड यूनिक होटल। View from our hotel. It's great. They are very happy. It's our 10th anniversary, and so this enjoy anniversary. And Janu is checking what is. Say Janu, hi. Oh, what the hell? See the bay. See, show the view. With us. Hotel room, and here is the best view from our room. Yes. Wow. Thanks, great surprise, great anniversary celebration. We are enjoying a lot. Thank you so much. यह है कुछ नज़ारा हमारे होटल के विंडोज से। यह है रिसोर्ट के बाहर का नज़ारा, यू कैन सी टी प्लांटेशन और यहाँ गार्डन भी है, आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। छोटे बच्चों के लिए झूले भी है, यू कैन सी सिद्धीज एंजॉइंग हियर। एंड फोटोशूट करना है तो बेस्ट प्लेस है, वहाँ से नीचे जाने के लिए बहुत सी जगह है, आप वहाँ जाके डिफरेंट फोटोशूट कर सकते हो। सी हमने कैसे फोटोशूट किए हैं एंड वीडियो शूट। हिल ऑसम क्लाइमेट, see it's thundering bansa is there, yes so hamare Ooty ki day one ka sightseeing shuru hota hai botanical garden se। botanical garden famous hai flowers ke liye and specially photo shoot and video shoot। Ooty mein around 200 se upar मूवी की शूटिंग हुई है और यहाँ फ्लावर्स हजारों से डिफरेंट वैरायटीज के आपको मिलेंगे। रियली यूनिक एंड सबसे बड़ा ऐसा ये बॉटनिकल गार्डन, गवर्नमेंट का है ये बॉटनिकल गार्डन।
जाना है तो ज़रूर इसको विजिट देना नहीं भूलना। दीवाना एक वन ऑफ द हिंदी मूवी, उसका शूटिंग भी यहाँ ही हुआ है। रियली हमने यहाँ 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड किया है। इट इज़ रियली वर्थ टू स्पेंड दिस गार्डन। सो ये था बॉटनिकल गार्डन, रियली यूनिक प्लेस इन ऊटी। फुल ऑन फॉग ऑन डोडामेटा पीक। ओह माय गॉड। ये है डोडामेटा पीक। फॉग डोडामेटा पीक। Hey, hi all. Life is cool. So me and my wife here, and we are at Ooty now. Or can you see the fog in Ooty? Awesome, it's climate. Too cool. Awesome climate at Ooty. So and we are here to celebrate our 10th anniversary. And yes. Thank you, Janu, yeah, for giving me this wonderful gift. Yeah, and we have one more member here with us. Yes, and that here. Is here. Siddhi, Siddhi, say hi to all. Hi. Hi. So, life is cool. Okay, and the climate is also cool. Everyone should visit once in life. Ooty. I want to say, I recommend all of you, those who are watching. So, Ooty, I want really, to ask really you cool, cool place. Nice climate at Ooty. और यहाँ एक टावर है और इस टावर के फर्स्ट फ्लोर से आप पूरा वैली का नज़ारा देख सकते हो और यहाँ ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। तो ये था डोडामेटा पीक, वन यूनिक प्लेस एंड हिल स्टेशन जहाँ फॉग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। विद दैट अभी हम जा रहे हैं टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री। तो ये है टी फैक्ट्री और यहाँ चाय के हरी पत्तियाँ से चाय का पैकेट कैसा बनता है उसकी पूरी प्रोसेस स्टार्ट टू एंड मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं चाय के पत्ते थोड़े गर्म होके जो आपके सामने बेल दिख रहे हैं, बेल के ऊपर से वो पत्ते धीरे धीरे से आगे स्टेप बाय स्टेप इस फैक्ट्री में जाते हैं। यू कैन सी पत्ते भुने हुए आगे जाते हैं, यहाँ से और एक लेवल में उनको छान दिया जाता है, फिर से वो आगे उस डोम के अंदर गए हैं, वहाँ फिर से वो एक लेवल तक उसको हीट मिलती है, एक सॉर्ट ऑफ हीटर है, वहाँ से वो अंदर जाते हैं, वहाँ फिर से नेक्स्ट लेवल में यू कैन सी द बेल्ट, वहाँ से नेक्स्ट लेवल में और वही चाय की पत्ती है जो और ग्रैन्यूलर लेवल में है बन के जाती है। ये फाइनल लेवल है जहाँ चाय बनी हुई है, चाय की पत्तियाँ से चाय बनी हुई है और फिर यहाँ से मशीन में जाके आगे जाके जो पैकेजिंग मशीन है वो पैकेजिंग मशीन में जाती है और अभी आप देख सकते हो इस मशीन से चाय का पैकेट पैक करके आ गया है। विद दैट ये है चॉकलेट की फैक्ट्री, जो मशीन में चॉकलेट बनते हैं उसकी जो बनने के बाद उसके लेयर्स होते हैं वो इस में डाल जाते हैं, बाद में ड्राई करने के बाद ये चॉकलेट आपके सामने है। तो ये है चॉकलेट फैक्ट्री। और हमारा नेक्स्ट यूनिक स्पॉट है पाइन ट्री फॉरेस्ट।
मैं देखा हुआ फर्स्ट टाइम पाइन ट्री फॉरेस्ट। बहुत ही बढ़िया प्लेस है आपके, आप रियल पाइन ट्री कैसे हो सकते हैं, उसका जंगल कैसा हो सकता है वो आपको रियल देखने मिलेगा। और उसके बाजू में ही बड़ा सा लेक है, आप यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो, यहाँ हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया एंड काम यूनिक प्लेस, आप फोटोशूट कर सकते हो। बहुत सारे हिंदी मूवीज़ के ओल्ड एज वेल एज न्यू मूवीज़ की शूटिंग इस पाइन ट्री के यहाँ हुए हैं। विद दैट उसके आगे का स्पॉट है वो है पाइकारा लेक। यस, पाइकार लेक बोट हाउस, बहुत सारे हिंदी मूवीज की शूटिंग यहाँ होते हैं। रियली यूनिक एंड एक्सेलेंट प्लेस। बोटिंग करके आप यहाँ से आ सकते हो, ग्रुप के साथ जा सकते हो, रियली एंजॉयबल प्लेस। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है शूटिंग पॉइंट। At shooting point at Ooty. See the view. See the point. Yeah. It's a shooting point. Side point. Come here, everyone. Great. You can see the scenery. Oh wow, this is Ooty. What an awesome climate. See nazara. तो डे वन की साइट सीइंग होने के बाद हम फिर से आए हमारे होटल पे और हमारी एनिवर्सरी हमने इस होटल में सेलिब्रेट की है। सो फ्रेंड, ये था हमारा डे वन, और डे टू के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। See you in next video. Bye-bye.